हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू इन्फोटेक ऐप चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जो टेक्नोलॉजी के टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ नया सीखना, तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा कुछ खास फीचर। जैसे कि अगर आपके पास में कुछ पिक्चर्स है, फोटोज है, और आप उन फोटोज को यानी बहुत सारे फोटोज को जो है एक क्लिक के अंदर में आप उसका रिसाइज करना चाहते हैं, तो उसके बारे में टिप्स बताने वाला हूँ। सिर्फ एक क्लिक में कन्वर्ट, मैं नहीं मानता। तो कौन सा है वो टूल, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कौन सा है वो टूल। तो यहाँ पे आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे एक टूल अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल कर उसका यूज़ करके आप अपने सारे इमेजेस को कन्वर्ट कर पाएंगे, एक क्लिक के अंदर में रिसाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर ट्वाइस। माइक्रोसॉफ्ट पावर ट्वाइस का जो है, अगर डेवलपर की बात की जाए तो ये फ्रीली अवेलेबल है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, इसे गेट इन स्टोर ऐप बटन पे क्लिक करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ओपन बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये जो टूल है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। आप इसे मोबाइल में भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से इसका इस्तेमाल हो जाएगा आपके मोबाइल के अंदर में। इस टूल का यूज़ आप आसानी से किस तरीके से करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो इसे हमने फाइल हिप्पो से डाउनलोड किया और इसे का सेटअप हम यहाँ पे चला रहे हैं। सेटअप चलाने के लिए आपको सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट बटन पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए आपके कंप्यूटर के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट पावर ट्वाइस जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 64 बिट की जगह दूसरा है तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल बता रहे हैं 64 बिट। आपको यहाँ पर फाइल को यहाँ से चेंज करना होगा, उसके अंदर में कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी। कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने के बाद में देखिए आपका जो ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पे आपको दिखाई देने लगे हैं, जिसे हम बोलते हैं पावर ट्वाइस। इससे हमें जो है सेटिंग को थोड़ी बहुत चेंज करना है और चेंज कर का इस्तेमाल करना है, जिसके बारे में लॉन्ग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, या फिर आप किसी दूसरे वीडियो को चेक कर सकते हैं किस तरीके से हमने इसका यूज़ किया। लेकिन इसे इंस्टॉल करने का जो आसान सा तरीका मैंने बताया वो था एक फाइलिपो.com से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं इस वेबसाइट पे जाकर आपको इसे इंस्टॉल करना है, जहाँ से आपको ये फाइल आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे का पावर यानी पावर ट्वाइस। तो आपको जाना है इस यूआरएल के ऊपर में। इस यूआरएल पे आपको यहाँ पे देखिए, तो चलिए देखते हैं कि आपको पावर ट्वाइस का यूज़ कैसे करना है। पावर ट्वाइस जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, उसको इस यूआरएल से हमने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे लिंक दी गई है, हम यहाँ से ये डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिए। एक बात का याद रखना है, अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो ही ये एप्लीकेशन आपके लिए बेहतर और बेटर काम में आने वाला है। अदरवाइज़ जो है आप ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये जो लिंक है ये दूसरी यूज़ करनी होगी। वर्शन भी आपको दूसरा चेंज करना होगा। यहाँ पे वर्शन नंबर 6.0.68 जो दिया गया है ये आपको ओल्ड वर्जन लेना होगा। न्यू रिलीज वर्जन है। अब हम इसका यूज़ कर देखेंगे। सबसे पहले हमने ये फोल्डर बना लिया है डी ड्राइव के अंदर में, यहाँ पे टेम फोटो नाम से। इसे हमें सभी को जो है फाइल को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है या रिसाइज करना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सारी टाइप की फाइल हमारे पास में है, JPG है, PNG है, और फाइल को हमें कन्वर्ट करना है तो पहले हमें राइट क्लिक कर सेलेक्ट ऑल या कंट्रोल ए कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है रिसाइज पिक्चर का, इस पर हमें क्लिक करना है। रिसाइज पिक्चर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो टाइप्स ऑफ साइज़ वहाँ पे दिखा रहा है, स्मॉल साइज़ है, लार्ज है, मीडियम है, फ़ोटो है, कस्टमाइज है। कस्टम हम करते हैं तो यहाँ से हमें फ़ोटो को अपने हिसाब से चेंज करना होता है। विड्थ और हाइट को हम चेंज कर सकते हैं। पिक्सल या इंचेस में हमें लेना है तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर कस्टम ना करते हुए लार्ज साइज़ पर क्लिक कर देते हैं और रिसाइज बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने रिसाइज पर क्लिक किया तो देखो रिसाइज वाली जो है अनसेलेक्टेड जो फाइल है वो रिसाइज है, यानी ये जो फाइल थी 200 समथिंग MB की थी, 283
3 KB की थी और अब ये हो चुकी है 422 KB की। उसी तरीके से हर फाइल का जो साइज़ है वो चेंज हो चुका है और फाइल रिसाइज होने के बाद में जो रेजोल्यूशन है वो भी सेम ही होगा, लेकिन साइज़ बड़ी होने से आपका जो फाइल का जो टाइप है वो चेंज हो चुका है। इसी को अगर हम रिसाइज करते हुए अगर हम इसे छोटा करने जाते हैं तो स्मॉल आपको कर देना है, यहाँ से हमें लार्ज की जगह स्मॉल साइज़ हम कर सकते हैं और फिर रिसाइज हम करेंगे तो जो दूसरी जो अनसेलेक्टेड फाइल है उनका जो KB है वो कम हो चुका होगा, यानी आप जो है फाइल को देख सकेंगे कि कुछ फाइलें जो है वो KB में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी चंद सेकंड के अंदर में आप अपने सारी फाइल्स को कन्वर्ट कर पाएंगे, रिसाइज कर पाएंगे, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। तो ये था एक बेहतरीन टूल जो आपके लिए मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन आपको एक बात को याद रखना है कि जब कभी भी आप पावर टॉयज यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ 11 का ही यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ऑनलाइन। कुछ ऑनलाइन टूल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, वो उनमें से ये है बल्क resizephoto.com पे आपको जाना है, यहाँ से हमने चूज़ फाइल कर देनी है और आपको जो भी फाइल्स को रिसाइज करना है, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ से एक दो फाइल ले लेते हैं कोई भी, और इसी तरीके से आप हज़ारों फाइल भी ले सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए उतनी फाइल ले सकते हैं। फाइल का साइज़ यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, डायमेंशन को आप बदल सकते हैं, विड्थ को हाइट को चेंज कर सकते हैं, फाइल की जो फॉर्मेट है आप यहाँ पर 3 टाइप के फॉर्मेट ले सकते हैं, JPG, PNG और WEBP। और उसके बाद में जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में वो जो सारी फाइल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगी और आपको मिलेगी वो सारी फाइल्स एक जिप फोल्डर के अंदर में, जिससे आपको ओपन करना है। और ये देखिए सारी फाइल्स आपकी एनलार्ज हो चुकी है। अब अगर आपको दूसरा टूल का यूज़ करना है तो वो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया AI टूल, जिसे हम कह सकते हैं bigjpg.com। यहाँ पर हमने फाइल्स को ले लेना है, जो भी फाइल हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ से कुछ फाइल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम ये फाइलें ले लेते हैं, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए वन बाय वन आपको स्टार्ट करना है और इसकी जो साइज़ और विड्थ, मीडियम साइज़ चाहिए आपको, लार्ज चाहिए, रेजोल्यूशन चाहिए आपको, नॉइस रिडक्शन चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ से हम ले सकते हैं। दूसरा थर्ड नंबर की जो वेबसाइट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, ये है बैकग्राउंड चेंजिंग के लिए, ये फिर आप स्केल नाम की वेबसाइट है, इमेज अप स्केल स्केलर नाम से वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद में इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था एक बेसिक टूल जो साइज़ या फिर इमेज को आप कन्वर्ट कर पाएंगे, एनलार्ज कर पाएंगे, बहुत सारी इमेज को भी एक साथ हम कर पाएंगे, बहुत सारी इमेजेस आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ से हम वन बाय वन ले सकते हैं सारी इमेज को और 10, 20, 50 जितनी भी फाइल्स आप लेना चाहते हैं, फ्री टूल ये अवेलेबल है, जहाँ से जाकर आप फाइल की इनलार्ज या लार्ज कर पाएंगे, शॉर्ट कर पाएंगे, फाइल की साइज़ को बढ़ा पाएंगे और फाइल को कम कर पाएंगे। तो चलिए दूसरे टिप्स की तरफ चलते हैं, दूसरी ट्रिक्स क्या है। दूसरी चीज़, आप अपने विंडो को यानी आप अपने कंप्यूटर को मोबाइल स्क्रीन पर लेना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आप अगर चाहते हैं आपका जो ऑफिस वर्क है आप अपने कंप्यूटर में करते करते आप पेन ड्राइव में ले जाना चाहते हैं, लेकिन पेन ड्राइव कभी कभी करप्ट हो जाता है, लेकिन उसी को आप जो है अपने घर के पीसी पे या फिर आप अपने ऑफिस के पीसी पे सेव वर्क करना चाहते हैं और वो सारा डाटा ऑटोमेटिक सेव हो जाए तो उसकी कुछ अपडेट बताने वाला हूं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है नए अपडेट्स और क्या है टेक्नोलॉजी का टिप्स और ट्रिक्स। तो ये है हमारे आज की सेकंड ट्रिक, वो है गूगल रिमोट डेस्कटॉप। गूगल रिमोट डेस्कटॉप को आपके आपके मोबाइल के अंदर में ले लेना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर भी आपको फ्री मिल जाता है, फ्री में आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद जो है आपको जाना है आपके PC के ऊपर में, या फिर आप अपना कॉल कर बोल सकते हैं अपने PC के डेस्कटॉप पर जाकर गूगल क्रोम डेस्कटॉप को डाउनलोड करना, और गूगल क्रोम डेस्कटॉप को डाउनलोड करने के बाद उसे एक्टिव करना है यानी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने की प्रोसीजर जो है वो सिंपल सी है, जैसे हमने डाउनलोड किया यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए एक्सटेंशन आपके जो है कंप्यूटर के अंदर में आ चुका होगा, उसे आपको अलाउ यानी परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद में ये देखिए आप जिस भी जीमेल अकाउंट से उसे लॉग इन कर रहे हैं तो वही जीमेल अकाउंट आपके मोबाइल के अंदर में भी होना ज़रूरी है। अब एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल बटन में हमने क्लिक करना है, ये देखिए ये ऑप्शन आ चुका है, ये डाउनलोड फाइल को हमें डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। प्रॉपरली इंस्टॉलेशन
हो चुका है। अब जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में अब हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाना है। जैसे ही हमारा डेस्कटॉप के ऊपर में ये फाइल इंस्टॉल हो जाता है रिमोट डेस्कटॉप नाम से, यानी ये जो फाइल गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है जो आपके रिमोट क्रोम इंस्टॉल होने के बाद में आप अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल के अंदर में डेस्कटॉप के तौर पर यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए इसे हमें नाम को चेंज कर देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं, या फिर आप नहीं देना चाहते तो ना दे, यहाँ पे पिन जनरेट कर ले, 6 नंबर आप डाल सकते हैं या फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन पिन जो जनरली होता है वो नंबर्स का ही होता है, नंबर हमने डाल देना है और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए आपका एक नाम हमने चेंज कर चुका है। अब ये नाम से आपको अपने मोबाइल के अंदर में जब हम गूगल एक्सटेंशन गूगल रिमोट डेस्कटॉप ऑन करेंगे आपके मोबाइल का, तो उसके अंदर में ये नाम आपको दिखाई देने लगेगा और उस पर आपको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल का पिन आपको डालना होगा, यानी डेस्कटॉप का पिन या पासवर्ड जिसे हम कह सकते हैं वो आपको डालना होगा और उसके बाद जो है आपका जो डेस्कटॉप है वो रिमोट डेस्कटॉप आपके मोबाइल के ऊपर में आ चुका होगा, जहाँ से जाकर आप अपने कंप्यूटर को मोबाइल के थ्रू एक्सेप्ट कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे सारे फंक्शन जो आपके इस तरीके के डेस्कटॉप में। देखिए ये आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे आइकॉन्स का डिस्प्ले उस मोबाइल के ऊपर भी होगा, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। आपका मोबाइल हमने ले लेना है, इसे आपने जो भी नाम रखा था वो नाम हम ले लेंगे। तो ये देखिए आपका रिमोट डेस्कटॉप यहाँ पे आपका आ चुका है। अब जो है इसे हमने ओपन करना है क्रोम के इस टूल का यूज़ कर कर। आपको ये देखिए साहिल नाम का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है मोबाइल पे, और मोबाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको पूछता है पिन, आपको जो पिन आपने डाल रखा था वो पिन हमने यहाँ पे डालेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट बटन क्लिक किया तो ये देखिए रिमोट डेस्कटॉप आ चुका है, आपका पूरा डेस्कटॉप आपके मोबाइल के ऊपर में आ चुका है। आप जो फाइल आपको चाहिए थी वो फाइल आप कॉपी कर ले या फिर व्हाट्सअप कर ले, व्हाट्सअप पे जाकर आप उस फाइल को अपने जिस भी कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं ऑफिस में वहाँ पे जाकर उसका यूज़ करें और इसका जो मज़ा आप आसानी से ले सकते हैं। और आप जो ऑफिस में वर्क कर रहे थे वही वर्क आप कंप्यूटर के थ्रू मोबाइल के थ्रू कर पाएंगे। और भी एक वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ जो आपको इसी तरीके की टिप्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल बटन ज़रूर दबा दें और कमेंट कर हमें ज़रूर बता दें, और टेक्नोलॉजी की टिप्स और टिप्स पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।